33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बांह में बांह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठीं, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर व्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गाकर नाच रही थीं। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थीं। उनके राग रागिनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बांह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे।
उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थीं। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौंरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद करकमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के करकमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थीं, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्ज्वल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौंरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित,
शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन, यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्रह्मन वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए, शरीर से करना तो दूर रहा। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ अर्थात नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्त जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं, तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्राह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थीं।
परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्त की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है।